हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पियागो अपे एक्स्ट्रा एलडीएक्स थ्री व्हीलर लोडर व्हीकल के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या क्या माइलेज आपको ये व्हीकल निकाल के देता है, सब कुछ चेक करेंगे और इसके बारे में कंप्लीट वॉक अराउंड करने वाले हैं। ठीक है, और शुरुआत देखो इसकी ना पहले कर लेते हैं की से। एकदम नॉर्मल से की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पीछे आपको देखो पियागो का यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी देखो फ्रंट विंडशील्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे बड़ी सी विंडशील्ड यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो क्लैरिटी है, मतलब सामने का जो विज़न है, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, बहुत क्लैरिटी से आपको दिखता है। साथ ही साथ एक वाइपर की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इधर अगर ध्यान से देखेंगे तो 42 मंथ की आपको सुपर वारंटी यहाँ पे देखने को मिलती है। टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है। देखो इसके प्राइस की बात कर रहे थे, इसमें देखो दो वेरियंट आते हैं, एक आता है पेट्रोल प्लस सीएनजी और एक आता है आपका डीजल। जो हमारे सामने वेरिएंट खड़ा है वो आपका डीजल वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइस पड़ेगी लगभग आपका 2.48 लाख, मतलब 3 लाख मान के चल लीजिए आपका ना ऑन रोड पड़ जाती है। और फिलहाल हमें प्रेम मोटर्स ग्वालियर में, आप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरा क्वेरी कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी फ्रंट में देख लीजिए, आपको यहाँ पे पियागो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, लोगो है। लाइट सेटअप आपको यहाँ पे देखो हैलोजन वाला लाइट सेटअप देखने को मिलता है। किनारे किनारे पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आपको पोर्शन मिलता है, जिससे ना थोड़ा सा मजबूती आती है। इंडिकेटर सारे आपको हैलोजन में देखने को मिलेंगे। वहीं नीचे आपका जो ये मडगार्ड है, काफ़ी बड़े साइज का मडगार्ड आपको यहाँ दिया है, जिससे जो छींटे वगैरह हैं आपके, मतलब गाड़ी के ऊपर नहीं आएंगे, आपकी गाड़ी साफ़ सुथरी मेंटेन रहेगी। टायर्स आपको यहाँ पे 4.5 सेक्शन 10 इंच के टायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्टील रिम्स में 3 नट वाला स्टील रिम्स आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। एक अच्छी बात इस व्हीकल की आपको मैं बताता हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट केबिन मिलता है ड्राइवर के लिए, जिसकी मदद से, मतलब फ़ायदा यह है कि ड्राइवर भी सेफ रहता है, छींटे वगैरह नहीं आते हैं, बारिश से भी बचता है, प्लस सामान वगैरह कुछ रखना हो तो आराम से अपना रख के जा सकता है। विंडो वगैरह दी गई है, विंडो देखो आप चाहो तो अंदर से खोल भी सकते हो, एरी फील करा सकते हो, एसी नहीं होता है ना, इसीलिए ये सब विंडो दी गई होती है। साइड प्रोफाइल की बात कर लीजिए, लंबाई आपको इसकी मिलेगी 3145 mm की कुल लंबाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। व्हील बेस 2100 mm का व्हील बेस है, ब्लू कलर में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक आप अंदर देखेंगे तो आपको एक रेड कलर भी यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। और बात कर लीजिए इसके कंप्लीट डाला जो है, इसका डाले का लोड कैपेसिटी आपको लगभग 500 किलो की लोड कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा एलडीएस की बैजिंग आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है। यहाँ पे भी आप मडगार्ड देख लीजिए, काफ़ी बड़ा मडगार्ड है। ये जो आपका है पानी है, नॉर्मल पानी आप इसे भर सकते हैं, इंजन को कूल रखने के लिए मदद करता है। लोड कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी, इसका जो साइड है ना 5.3 फीट का पूरा ये पड़ेगा, ऊंचाई आपकी लगभग ये पड़ेगी 1 फीट की। ठीक है, और 4.5 फीट का आपको ये पूरी लंबाई ऑफर करी जाती है। इस डाले को आप यहाँ से खोल के नीचे गिरा सकते हैं, सामान वामान रखने में आपको आसानी मिलती है। पियागो को आपको बैजिंग मिलेगी। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा इंजन यहाँ पे देखने को मिलता है। इन गाड़ियों में क्या है कि यहाँ लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जाली लगी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्थर वत्थर आपके इंजन पे नहीं जाते हैं। अब इंजन की बात ही कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 599 cc का डीजल इंजन मिलता है, जो 9.4 HP की पावर देता है, 23.5 Nm का टॉर्क देता है। बाकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 22 kmpl का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखो मिल जाती है यहाँ पे, 10 liter की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और यहाँ से आप फ्यूल फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी हेलोजन में आपको पूरा पीछे का लाइट सेटअप यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ज़्यादा कुछ रह नहीं गया, एक बार अंदर भी चल लेते हैं, अंदर चल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। क्लासिक की देखो यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी गाइस। देखो अंदर घुसते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, 12 वोल्ट की आपको यहाँ पे बैटरी प्लेस करी गई है। यहाँ पे आपका पक्का फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होगा। बैठ लेते हैं अंदर क्योंकि नॉइज़ बहुत आ रही है। चलिए अब अंदर बैठ गए ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपका ये रिवर्स गियर आपको दिया गया है, रिवर्स में करना हो तो ये मदद करेगा। डीसी क्या है, जब आपको सेल्फ यूज़ करना है तो सेल्फ आपको डीसी को क्या है ना, एक बार ऊपर करके नीचे करना पड़ेगा, तो आप उसके बाद सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, ये इंजन स्टॉप बटन है, आपको यहाँ से करेंगे तो इंजन आपका कट ऑफ हो जाएगा। हैंडल देख लीजिए, हैंडल बार आपका कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, बीच में यहाँ पे भी लोगो दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ना 5 speed गियर बॉक्स मिलता है, एक की 5 speed आगे रिवर्स गियर लेंगे तो एक रिवर्स गियर एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी इधर आपका लो बीम हाई बीम की पोजीशन है, इंडिकेटर की पोजीशन देखने को मिलती है, ग्रिप काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे आप अपना यूजफुल सामान रख के इसको बंद कर सकते हैं और चाबी से लॉक कर देंगे तो सेफ रहेगा सामान। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, लेकिन आपको काम की सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। चलिए इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो आपको ना FM यूनिट वगैरह नहीं लगाई है, मोस्ट प्रोबेबली जो इसका LDX प्लस वाला वेरियंट है
उसमें एफएम की यूनिट देखने को मिलती है, स्पीकर्स की यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती है। देखिए यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिलते हैं, दो यूएसबी पोर्ट है, एक 2 एम्पीयर का, एक 1 एम्पीयर का। बाकी ऊपर आएंगे तो ये रही आपकी डिस्प्ले यूनिट। अब ये डिस्प्ले यूनिट क्या दिखाती है, जो पीछे आपका कंटेनर 5 लीटर का मैंने बताया था ना, जो पानी जिसमें भरते हैं, उसका दिखाती है कितना बचा है, कितना परसेंटेज बचा है। बाकी ये रही हजार्ड लाइट की पोजीशन, वाइपर्स के कंट्रोल, ये लैंप के कंट्रोल। तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट केबिन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे आप चाबी लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। ये रहा आपका हैंड ब्रेक, देख लीजिए ये रहा आपका हैंड ब्रेक, बाकी ये रहे आपके ब्रेक्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फ्रंट का, देख सकते हैं डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छे से बंद है। और यहाँ से आपको देखो एक मिरर यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जिससे फ़ायदा ये है कि आप पीछे भी नज़र रख सकते हो और यहाँ से देखो खोल भी सकते हो, तो आप डाले पे भी पीछे नज़र रख पाओगे, सामान वगैरह को कोई टेंशन तो नहीं है। बाकी आपको देखो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा इसकी वजह से, बड़ी बड़ी विंडो, बड़ी सी विंडस्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है दोस्तों। बाकी अगर आपको दरवाज़ा खोलना है तो देखो इसको ना ऐसे ऊपर करके खोल लीजिए, दरवाज़ा आपका खुल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो है आपका देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आप अपना इंजन बे को एक्सेस कर सकते हैं। इसको करिए, इसको उठा लीजिए और यहाँ से आप इंजन बे की सर्विसिंग वगैरह करनी हो, कुछ करना हो, तो यहाँ से आप इजीली इसको इंजन बे को एक्सेस कर सकते हैं इस पोजीशन से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी पियागो एप एक्स्ट्रा LDX, और ये इसका ना डीजल वाला वेरियंट है, इसमें आपको CNG का भी वेरियंट मिलता है। प्राइस इसकी पड़ जाएगी लगभग 2.85 लाख रुपीज़। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा, कोई भी क्वेरी हो नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।